दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा शो जानते हैं जिसने दुनिया में कॉफी कल्चर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया, जिसके एक्टर्स शो के रिलीज के 25 साल बाद भी हर साल घर बैठे 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूंगा इस लेजेंडरी शो की, जिसका नाम आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और आप देख रहे हैं डीकोड विद ध्रुव, एक नया शो जहां मैं हर हफ्ते एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स शो या मूवी को एनालाइज करूंगा और उसका इंपैक्ट जानने की कोशिश करूंगा। तो इस एपिसोड में हम डीकोड कर रहे हैं फ्रेंड्स। सच बताऊं तो शायद मैं दुनिया का अकेला इंसान था जिसने इस शो को आज तक नहीं देखा था, पर आज मैंने फाइनली पीयर प्रेशर में आकर इस शो को देख लिया है। और इससे पहले कि मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं, आइए समझते हैं ये शो कैसे बना, दुनिया भर में क्या ये कैसे ये कल्चरल फिनोमेना बना और इंडिया में इस शो का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो क्रिएटर्स मार्था कॉफमैन और डेविड क्रेन का एक दूसरा शो रिसेंटली कैंसिल हो चुका था। उस वक्त मार्था और डेविड जो कॉलेज के दोस्त थे, अपने 20s की सिंगल लाइफ मिस कर रहे थे और इस पर्सनल नॉस्टैल्जिया से आया इनसोम्निया कैफे उर्फ फ्रेंड्स। NBC ने पिच सुनते ही शो का पायलट एपिसोड यानी पहला एपिसोड तुरंत ही कमीशन कर दिया। क्या है कि 1993 में साइनफेल्ड, चीयर्स और फ्रेजर जैसी कॉमेडीज तो थी, मगर यंग एडल्ट स्पेस में कोई भी शो फ्रेंडशिप के इमोशन को क्रैक नहीं कर पाया था। ये एपिसोड मार्था और डेविड ने सिर्फ 3 दिनों में लिखा था, मगर 94 में जब इस शो का पायलट रिलीज हुआ तब 22 मिलियन व्यूअर्स ने इसे देखकर नॉकआउट सक्सेस बना दिया। इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी कास्टिंग और राइटिंग। अपने पीक पर ये शो 14 राइटर्स साथ में मिलकर लिख रहे थे। 14 राइटर्स, इंडिया में 14 राइटर्स एक साथ सिर्फ प्रोटेस्ट में नजर आते हैं। एक और खास बात थी इन एक्टर्स की ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप। सीजन 2 के बाद डेविड श्विमर, उस वक्त के हाईएस्ट अर्निंग कास्ट मेंबर, ने बाकी 5 को एक्टर्स को साथ मिलकर सेम अमाउंट नेगोशिएट करने का आइडिया दिया, जो कि तय हुआ $100,000 पर एपिसोड, जो आज के दौर पर होता है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, $197,000। ये सुनकर दुनिया में एक इंसान था जिसे हद से ज्यादा दुख हुआ, एक्टर क्रेग बियरको। चैंडलर की कास्टिंग के वक्त मैथ्यू पेरी किसी और शो के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त क्रेग को ट्रेन किया चैंडलर के रोल के लिए, पर ऑडिशन के बाद क्रेग ने खुद ये रोल रिजेक्ट कर दिया और फिर उस दूसरे शो के ना कमीशन होते मैथ्यू पेरी ने फ्रेंड्स के लिए हाँ कर दी। दोस्तों सोचिए, आज जब शो के सारे एक्टर्स रॉयल्टीज में मिलियंस कमा रहे हैं, क्रेग पर क्या गुजरती होगी। खैर, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी बैड डिसीजंस तो लेते ही हैं, पर शायद क्रेग अपने इस बैड डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए नेटफ्लिक्स भी नहीं देख पाते होंगे आजकल। इस शो ने पूरी दुनिया के कल्चर पर इतना इंपैक्ट किया जो कि आज तक शायद मार्केटिंग के 4 P's नहीं कर पाए हैं। UK में फ्रेंड्स इतना सक्सेसफुल हुआ दोस्तों कि 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 11 मिलियन औरतों ने रेचल वाले हेयर कट्स करवाए थे। इंडिया में जब फ्रेंड्स 1999 में प्रीमियर हुआ तो वो इंस्टेंट हिट बन गया, क्योंकि 99 और अर्ली 2000s की इंडियन शोज जैसे कि हम 5, हिप हिप हुरे और मूवीज जैसे कि कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, स्टाइल, ये सारी मूवीज और शोज हमारे यूथ के फ्रेंडशिप्स और एक्सपीरियंसेस को शायद इतनी सच्चाई से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे थे। 90s में .com और सॉफ्टवेयर बूम का समय आ चुका था, BPOs यानी कि कॉल सेंटर हाल ही में आने लगे थे, तो इसी वजह से धीरे धीरे इंडिया में यंग ऑडियंसेस भी शहरों में माइग्रेट करने लगी थी, रेंट पर रहने लगी थी अपने दोस्तों के साथ, और ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स भी आ चुके थे। इसका मतलब हम फ्रेंड्स के एक्टर्स के जैसे वही मैकडॉनल्ड्स और KFC में खाना खा रहे हैं, वही लीवाइस की शर्ट पहन रहे हैं जो शायद जोई ने किसी एपिसोड में पहनी थी, जिसे पहनने के लिए कुछ सालों पहले तक हमें हमारे US रिटर्न रिश्तेदारों की वेट करनी पड़ती थी। हमारी बातें मोहब्बतें के राज से ज्यादा फ्रेंड्स के रॉस से मिलती थी। इसके बाद फिर 2001 में दिल चाहता है फिल्म आई और फ्रेंड्स के सिवाय मैं कहूंगा ये एक अकेला दूसरा कंटेंट था जिसने फ्रेंडशिप के इस यूनिवर्सल इमोशन को इतने ट्रूथ के साथ कैप्चर किया हो। इंडिया जैसी कई कंट्रीज में फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज किया जा रहा था। इंडियन कॉल सेंटर्स में ये शो अमेरिकन एक्सेंट की कोचिंग के लिए यूज किया जा रहा था। कोरिया में तो माँ बाप खुद बच्चों को फ्रेंड्स देखने के लिए फोर्स करते थे ताकि US शो के बहाने थोड़ी इंग्लिश सीख लें, और वहीं हमारे माँ बाप कहते थे कि ये इंग्लिश शोज मत देखो, बच्चा शायद बिगड़ जाएगा। जैसे जैसे फ्रेंड्स पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे इन्होंने जो लाइफस्टाइल शो में दिखाया था वो भी पॉपुलर होता गया। फ्रेंड्स के रिलीज के बाद दुनिया में काफी सारी कॉफी चेन्स का तूफान आ गया। UK जैसी टी लविंग कंट्री में भी, जहां पर चाय लोग ज्यादा पीते हैं, वहां पर भी कॉफी की डिमांड कई गुना बढ़ गई। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि फ्रेंड्स के प्रोड्यूसर्स को लगा था कि कॉफी शॉप्स ऑडियंस के लिए शायद उतनी रिलेटेबल नहीं होंगी,
राइटर्स को साइनफेल्ड की तरह शो एक सिंपल से डाइनर में सेट करने का सुझाव दिया गया, जो कि उस वक्त काफी कॉमन थे, मगर राइटर्स अड़े रहे अपनी बात पर और शायद पहली और आखिरी बार दुनिया में प्रोड्यूसर्स ने राइटर्स की बात सुनी। इंडियन कॉफी कल्चर पर भी इस शो का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रहा है। इंडिया में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट हाल ही में 1996 में खोला गया था, पर मालूम होता है कि 1999 के इंडियन फ्रेंड्स प्रीमियर के बाद कैफे कॉफी डे की रैपिड एक्सपेंशन होने लगी और नए ब्रांचेस हजारों में खोल दिए गए। सोचिए, इस शो का इतना बड़ा उधार है हम पर, अगर फ्रेंड्स इंडिया में रिलीज नहीं होता तो हम लोग इमरजेंसी के वक्त वॉशरूम्स कहां ढूंढने जाते। एक सवाल यहां पर आता है, क्यों 25 साल बाद भी फ्रेंड्स को ऑडियंस फेवरेट कहा जाता है? क्यों हर हफ्ते ये शो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में पाया जाता है? इसका जवाब जानने के लिए मैंने बात करी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर ऑफ एंग्जाइटी ओवरकमिट एंड लिव विदाउट फियर सोनाली गुप्ता जी से। सोनाली जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने फ्रेंड शो देखा है, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो लोगों को इतना अच्छा लगता है, इतना पॉपुलर हो गया, वायरल हो गया एक तरह से? आप उसे कभी भी देख लो, इट्स वेरी सूदिंग। एक मतलब कि चाहे आप रात को देखो, कितने सारे क्लाइंट्स मुझे थेरेपी में बोलते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती तब वो बस शो लग फ्रेंड्स लगा देते हैं और उसको देखते देखते सो जाते हैं। उसमें अच्छा। एक लाइटनेस है, और जब मैंने पहली बार देखा था मुझे जो अच्छा लगा था और शायद आज तक भी है, उसमें कॉन्सेप्ट है अबाउट फैमिली ऑफ चॉइस। और जब आप 20 प्लस होते हैं, आपका कॉलेज खत्म हो गया, आपके फ्रेंड्स आपके लिए एक फैमिली ऑफ चॉइस हो जाते हैं। और वो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एग्जामिन किया है और उसे पोर्ट्रे किया है। आजकल बिंज वॉचिंग जैसे जो शोज आते हैं, इससे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? फ्रेंड्स जैसे एपिसोड थे उसमें लाइटनेस थी, आप कहीं से भी उसको देख सकते थे ना, आप कहीं से भी देखो वो 20 मिनट्स के हैं, वो आपको कंप्लीट हो जाती है स्टोरी। आजकल के जो शोज आते हैं वो क्लिफ हैंगर एंडिंग्स के साथ हैं। और जब आप बिंज वॉच कर रहे हो, बैक टू बैक देख रहे हो शो को, तब कहीं पे जाके आपको एक फैटीग होने लग जाता है। कई बार लोग बिंज वॉच इसलिए करते हैं ताकि जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स है, चाहे एंजाइटी हो चाहे घबराहट हो, जब वो उसे नहीं डील कर पाए वो बिंज वॉच करते हैं। आपको एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रही है, आपकी स्लीप इम्पैक्ट हो रही है, और लोग बहुत वायर्ड रह जाते हैं और उन्हें थकावट लगती है और वही एंजाइटी घबराहट फिर से वापस आ जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो एक इंटरनेशनल शो है, फिर भी इंडियन ऑडियंसेस भी कैसे उससे रिलेट कर पा रही हैं और वर्ल्ड वाइड मतलब लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं। चाहे आप अब्रॉड हो चाहे आप इंडिया में हो, एक सबके कंसर्न्स तो सेम ही है उस टाइम पे, जॉब में प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, आपको आपके सिबलिंग्स के साथ भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, आप एडल्टिंग बहुत डिफिकल्ट है और एडल्टिंग हमेशा से डिफिकल्ट रही है जब एडल्टिंग बोर्ड भी नहीं था। तो इसीलिए चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, वो थीम वैसे का वैसे वो सिग्निफिकेंट रहा है। और इंडिया में आज तक भी यू नो 10 साल पहले इतने लोग अकेले नहीं रहते थे, तो आजकल ध्रुव जो जेन जी मिलेनियल्स हैं वो अब अकेले रहने लगे हैं, वो थीम जो पैटर्न जो यूएस में था वो अब होने लगा है, तो उनके लिए तो रिलेटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, अब ज्यादा बढ़ जाएगी इस रीजन से। रीमेक शब्द दोस्तों आजकल हमारी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का सिनोनिम बन चुका है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई गाना रीमेक होते रहता है, और उस वक्त कोई इतना बड़ा हिट शो आया था तो उसका रीमेक तो बनना ही था। फ्रेंड्स का हिंदी रीमेक था हेलो फ्रेंड्स, जिसमें निखिल चिनप्पा, साइरस ब्रोचा और मारिया गोरेटी थी। बेसिकली उस वक्त के सारे कूल एमटीवी के जो वीजेस थे उनको बल्क में ले लिया था। इस शो के यूट्यूब क्लिप्स पर लिखे हेट कमेंट्स देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि फ्रेंड्स के फैंस को ये शो खास पसंद नहीं आया, और इस ब्रूटल रिस्पॉन्स की वजह थी शायद इस शो की टाइमिंग। हेलो फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स के साथ 1999 में ही रिलीज हुआ था। इस शो के बारे में और जानने के लिए मैंने बात करी कॉमेडियन वीजे और हेलो फ्रेंड्स के कास्ट मेंबर चैंडलर ब्रोचा, सॉरी साइरस ब्रोचा से। साइरस, हाल ही में हेलो फ्रेंड्स की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी जिस पर काफी ब्रूटली मजाक उड़ाया गया था, और ये एक ऐसा शो है जो मतलब 90s में रिलीज हुआ था और अब जाके इसकी क्लिप वायरल होने लग रही है ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो क्या हो गया कि अचानक दिस वायरल हैपेंड और व्हाटएवर जो भी है, और सब लोग सोचते हैं कि ये शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, बिकॉज
after a long time, people were saying, oh, you know, where have you been? What have you been doing? I think we have got a callback from 21 years. Or, मैं तो बहुत खुश हूँ एक्चुअली. मैंने क्लिप देखा, मैंने एक एपिसोड भी देखा, बिकॉज समबडी शोड अस द फुल एपिसोड. और मैं सोचा कि इतना खराब तो नहीं है. 100 में से आई थिंक 5-10% एटलीस्ट कामयाबी थी उसमें. तो मुंबई में आई वुड से 80-80 का पोजीशन होगा उसमें, दैट वी कैन रिपीट द एग्जाम आफ्टर दैट. आई थिंक शूटिंग के पहले दे हैड सेंट द टेप्स. आई वाज द ओनली गाय, ब्रो, आई स्वेयर ऑन माय मदर, मैं फ्रेंड्स एपिसोड एक भी नहीं देखा. आई हैड नो आइडिया. ऑल द अदर्स हैड सीन, और सबको हल्का सा जानकारी था फ्रेंड्स के बारे में. तो मैंने फेल किया ये एफर्ट में और ये रोल में विदाउट इवन रिसर्चिंग. सो आई फील वेरी अकम्प्लिश्ड अबाउट इट. लेकिन मैं एज ए कॉन्सेप्ट पूरे शो के बारे में पूछना चाहूंगा. ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट था, जो ह्यूमर था वो भी फ्रेंड से लिया हुआ था, तो क्यों नहीं चला ये शो उस टाइम पे? आई थिंक एक ही प्रॉब्लम नहीं, एक ही इशू है कि जब आप अडैप्ट करते हैं प्रोग्राम या अडॉप्ट करते हैं प्रोग्राम, लाइक वी डू इट इन इंग्लिश थिएटर अलॉट, वी यूज्ड टू डू, मगर यू लोकलाइज इट कम्प्लीटली टू मुंबई लेक्सिकॉन, मुंबई सिचुएशन, इंडिया सिचुएशन, सब कल्चरल रेफरेंस, वो सब हम लोग वो कुछ नहीं किया. They just basically change the names of the characters or phir, I think line by line translate karke kiya show. And it doesn't work that way. I just think you have to get the cultural references correct. You have to have good actors. And all these reasons beyond my control. But 21 years later, ye sare internet ki log American friends consume karke phir comparison nikalte usme. And I think that's a little unfair. We don't have a chance in hell. You should compare it to an MTV show we were doing at the same time, jaisa MTV Select ya Bakra ya jo bhi hai. I think it was on par for that. Par show karte waqt aapko koi idea tha ki aapke man mein tha ki ye show hit hoega ya flop hoega? I don't think I thought, yaar. I was 26 years old, beta, 26 saal. I just thought about girls and cricket. Keep in mind ki us time television mein kitne sare failures. I mean, my entire career is just 90% failure. So it's just another thing which comes and goes, you don't even remember it. You only worry that second season ne ho jaye, because, you know, ye wapas aana padega yahan pe and all that. Having said that, again, it's a paradox in terms, because shooting was fun, the people were fun, but I think we didn't take it professionally and seriously, and it's rubbish, as you can see. It's really not a great piece of work. चलिए अब आपको बताता हूँ दोस्तों इस शो के बारे में मेरी राय क्या है. मेरे ख्याल से फ्रेंड्स एक लो कॉन्सेप्ट शो है, जिसे मिलेनियल्स कई दफा बेसिक कहते हैं, और यही इसके सक्सेस का राज है. दोस्तों ये शो हमारे लिए उस वक्त एक आइडियल लाइफ की तस्वीर देता था, एक ऐसी लाइफ जहां पर माँ बाप और सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, आपके आपके पास शादी करने का कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप्स को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी लाइफ और आपके डिसीजंस पर सिर्फ आप ही का ही हक है. उस वक्त फ्रेंड्स देखना तो कूल था ही, मगर इस शो जैसी कूल लाइफ जीना शायद हमारा अल्टीमेट सपना था. अब आते हैं इस शो के क्रिटिसिज्म पर. मैंने इस शो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस करी. इनफैक्ट मेरा मतलब यह है कि हर वो चीज इस शो में थी जिसे आज सोसाइटी प्रॉब्लमैटिक कहती है. जैसे कि इस शो में फैट शेमिंग को ह्यूमर की तरह यूज किया गया था, और कुछ हद तक कुछ लोग इस शो को होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक भी कहते हैं, क्योंकि रॉस की बीवी का लेस्बियन होना और चैंडलर के डैड का ट्रांसजेंडर होना जोक अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज किया गया था. कुछ लोग इस शो को एंटी इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, क्योंकि रॉस के स्मार्ट होने को बोरिंग तरीके से दर्शाया गया, और वहीं जोई की डम क्वालिटीज को बड़ा कूल दिखाया गया. पर इस शो का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था इसकी ऑल व्हाइट कास्ट. ये शो 6 लोगों के बारे में था जो न्यूयॉर्क में रहते थे, जो दुनिया के सबसे डाइवर्स शहरों में से एक है. इस मुद्दे को लेकर उस समय काफी आउटरेज हुई थी, पर राइटर्स ने ब्लैक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं समझा. ये वाला क्रिटिसिज्म इतना पॉपुलर है कि रैपर जेजी ने इस टॉपिक पर एक सटायरिकल म्यूजिक वीडियो भी रिलीज किया था, जो फ्रेंड्स को ऑल ब्लैक कास्ट के साथ रीइमेजिन करता है. मगर जहां एक तरफ कुछ लोग इस शो को प्रॉब्लमैटिक कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे काफी प्रोग्रेसिव भी कहते हैं अपने टाइम के लिए. जैसे रेचल की बेटी एमा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुई थी, फीबी अपने भाई के लिए सरोगेट बनी थी, चैंडलर और मोनिका एडॉप्टिव पेरेंट्स बने, और बेन को दो लविंग लेस्बियन मदर्स ने रेस किया था. मेरे ख्याल से शो दोस्तों हमारे लिए उस फेवरेट गाने की तरह बन गया है, जिसे हम बार बार सुनने के बाद भी बोर नहीं होते. और इस शो के कैरेक्टर्स भी शायद एक तरह का कंफर्ट फील कराते हैं, क्योंकि कोई ओवर अचीवर नहीं है. जोई एक्टर तो है मगर एक एवरेज एक्टर है. मोनिका का शेफ करियर भी काफी अप डाउन से गुजरता है. इन कैरेक्टर्स के गूफ अप्स हमें कंफर्टिंग लगते हैं, और इनके सक्सेसेस नॉन थ्रेटनिंग लगते हैं.
और हमारे करंट स्ट्रेसफुल लाइफ से फ्रेंड्स एक परफेक्ट एस्केप है। शायद इसीलिए कई नए शोज आए और गए, मगर आज तक कोई और शो हमारे दिल में फ्रेंड्स की जगह नहीं ले पाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। थोड़ा अलग टाइप का वीडियो था, आमतौर पे मैं करंट अफेयर्स और न्यूज रिलेटेड इवेंट्स की एनालिसिस करता हूं, आज मूवीज और शोज की एनालिसिस करी थी। अगर पसंद आया तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताओ कि अगला नेक्स्ट मैं किस शो को डीकोड करूं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद।